क्या आप दीपावली की बम्पर सेल में महंगा स्मार्टफोन सस्ते में खरीदकर खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं? अगर ऐसा है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कम दाम का लालच दिखाकर दुकानदार ने आपको नकली स्मार्टफोन बेच दिया हो। नकली स्मार्टफोन बनाने वाले इतने स्मार्ट हैं कि आप पूरे दाम भी चुका देंगे और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि जो स्मार्टफोन आपको सस्ते में मिल गया वो पूरी तरह नकली है। आज तक ने फर्जी स्मार्टफोन्स के काले बाजार में घुसकर स्मार्टफोन्स की टच स्क्रीन के पीछे छिपे धोखे को एक्सपोज कर दिया है। आज तक का ऑपरेशन स्मार्टफोन देखकर आपके भरोसे की बैटरी अचानक डिस्चार्ज हो जाएगी। स्मार्टफोन्स के शौकीन लोगों के लिए ये एक बड़ी खबर है। आज हम खुलासा करेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में किस तरह महंगे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स की नकल करने वाली क्लोन फैक्ट्रियां चल रही हैं। यहां चुटकियों में नकली स्मार्टफोन्स को तैयार होता देखकर आपको अपने स्मार्टफोन की असलियत पर भी शक होने लगेगा। यह आपको जागरूक और चौकन्ना करने वाला खुलासा है, आपको खबरदार करने वाला खुलासा है। हमारी इस रिपोर्ट के दौरान आप नकली फोन पहचानने के तरीके अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर के हिस्से में देख पाएंगे। लेकिन आज हम आपको लेकर चल रहे हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री की उन अंधेरी गलियों में जहां असली और नकली का फर्क खत्म हो जाता है। सब ओके सर, सेंटर में लिया कर भी आप लिया चेक करा लोगे ना तब भी ये डिस्प्ले तब ओके। स्मार्टफोन्स की ग्रे मार्केट जहां नकली फोन्स का असली धंधा होता है। पूरा पैक आता है, फर्स्ट कॉपी, फर्स्ट कॉपी मतलब डुप्लीकेट, वही डुप्लीकेट ही मिलता है। क्या इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स के हाई क्वालिटी क्लोन्स की सदाबहार सेल लगती है? और ये किसी छोटे से कस्बे की किसी छुपी हुई दुकान में नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की सबसे व्यस्त और सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में होता है। नेहरू प्लेस, साउथ एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हार्डवेयर मार्केट। लेकिन दिल्ली की आईटी बाजार स्मार्टफोन्स का पायरेसी हब भी है। साल 2015 में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स लिस्ट में नेहरू प्लेस मार्केट को पायरेसी के मामले में दुनिया की सबसे कुख्यात मार्केट्स में शुमार किया गया था। लेकिन आखिर इस मार्केट में नकली स्मार्टफोन्स का खेल कैसे चलता है, ये जानने के लिए आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने मार्केट में एक अंडरकवर ऑपरेशन शुरू किया तो सारा खेल खुलकर सामने आने में वक्त नहीं लगा। जो खुलासे हुए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। देश की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मार्केट पूरी तरह नकली मेड इन नेहरू प्लेस स्मार्टफोन से भरी पड़ी है। यहाँ छोटी छोटी दुकानों में दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड एप्पल के आईफोन की नकली कॉपी चुटकियों में तैयार कर दी जाती है। सागर नेहरू प्लेस मार्केट में लैपटॉप स्टोर का मैनेजर भी है और चीफ टेक्नीशियन भी। आज तक के खुफिया कैमरे पर उसने जो कबूल किया उसे सुनकर आपको अपने स्मार्टफोन के असली होने पर शक होने लगेगा। आईफोन जो आप जो हमको दे रहे हो वो असेंबल हो गया, उसके रेट में और कुछ हो सकता है? 12,000 उसकी कितनी जैसे अगर 40-50 कॉपी हमको चाहिए क्या रेट मिल जाएगा? मतलब 30 मिल जाएगा। जब आज तक की अंडरकवर टीम ने नकली आईफोन के सौदागर सागर को 40 नकली आईफोन की डील का ऑफर दिया तो उसने एक मोबाइल हैंडसेट निकाला जिस पर एप्पल का लोगो साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने स्मगल किए हुए पुर्जों से तैयार नकली आईफोन का पोस्टमार्टम करना शुरू किया जिसकी आज तक के खुफिया कैमरे ने पूरी रिकॉर्डिंग की। एक असेंबलिंग का डेमो और दिखा दो, फाइनली करने से पहले कैसे आप असेंबल करोगे? इसको खोल के दिखाएंगे? असेंबल कर सकते हैं
आंटी भी दे दे पतली वाली, कुछ नहीं करना है, सारा सामान ऐसे ऐसे लगाओ आने बाहर से यूएस से साफ से, क्योंकि इसमें सब पत्ता कटेगा। अच्छा सौ डॉलर। अच्छा हमें ये लगाना होता है, यहाँ एक पत्ती लगानी होती है। पत्ती कौन सी होती है? ऐसी पत्ती आती है ये किस चीज़ की होती है? डिस्प्ले कवरेज करने की। अच्छा ये बैटरी आप लगाते हैं? ये लगाते हैं, यहाँ की पत्तियाँ लगाते हैं। ये पत्ती आप लगाते हैं? कभी कभार क्या होता है ये चीज़ भी अलग आ जाती है तो इसे फिट करना पड़ता है। ये चीज़ क्या क्या है? ये आपका लाउड स्पीकर हो गया। अच्छा ये हैंड फ्री जैक हो गया, चार्जिंग जैक हो गया, माइक हो गया। माइक ये है, हैंड फ्री जैक ये है, चार्जिंग जैक ये है, लाउड स्पीकर है, नेटवर्क की वायर आती है। सब लगाने में कितनी देर लगती है सर? एक फोन में 10-5 मिनट। अगर एक बंदा दिन में कम से कम 30-40-50 फोन हमारे बना देता है। नहीं आप ही गई इसी स्टोर पे पीछे बैठे ना? कोई स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक, ना कोई बड़ी वर्कफोर्स, सिर्फ एक बड़ा सा हॉल। सागर का स्टोर नकली आईफोन की मिनी फैक्ट्री है, जहां तीन लोग मिलकर हर रोज नकली आईफोन की खेप तैयार करते हैं। और उस पर भी दावा ये कि उनका बनाया नकली फोन एप्पल स्टोर पर भी चला जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। मतलब ये अगर जेन्युइन स्टोर पे भी जाए ना, हमें तो नहीं पता, हमारी स्टोर पे भी चलेगा तो एम्प्लॉय को किसी को पता लगे कि डुप्लीकेट है, फेक है, ये क्लोन फोन है, पता ना लगे किसी को। आप सेंटर से लोगे तो सर आपको वो हमारी नेहरू प्लेस में, आपको एक बात बताऊँ, नेहरू प्लेस में जितनी भी दुकानें हैं ना, सबके पास जो भी आईफोन चल रहा है यही हमारा जो आप ही प्रोवाइड करते हैं? सबके पास हमारा आईफोन चल रहा है, कोई असेंबल्ड वाला क्लोन किसी के भी आईफोन दे तो इसको क्लोन क्यों कह सकते? देश की सबसे बड़ी कंप्यूटर मोबाइल मार्केट में नकली स्मार्टफोन्स की प्रोडक्शन यूनिट में धड़ल्ले से काम जारी है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो इन नकली स्मार्टफोन्स की रिटेल और होलसेल मार्केट का खुलासा होना बाकी है। जमशेद खान और नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आज तक। आपने दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट में नकली आईफोन की फैक्ट्री से आज तक की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखी, वो नकली स्मार्टफोन की ग्रे मार्केट का एक बड़ा अड्डा है। लेकिन ये इकलौता अड्डा नहीं है। आज तक की टीम ने दिल्ली की दो और बड़ी मोबाइल मार्केट्स में नकली स्मार्टफोन्स के अड्डों पर खुफिया छापेमारी की है, जहां न सिर्फ नकली स्मार्टफोन्स ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं, बल्कि रिटेल और थोक के भाव में बेचे भी जाते हैं। आज तक की ऑपरेशन स्मार्टफोन के पार्ट टू में हम नकली स्मार्टफोन्स के असली सौदागरों के चेहरे बेनकाब कर रहे हैं। आपने साउथ दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट में नकली आईफोन असेंबल होते हुए देखे। अब आपको लेकर चलते हैं उन मार्केट्स में जहां नकली स्मार्टफोन्स रिटेल और होलसेल रेट पर खरीदे और बेचे जाते हैं। नकली स्मार्टफोन्स के सप्लायर्स, पुरानी दिल्ली की भीड़ भाड़ भरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की पुरानी मार्केट, लाजपत राय मार्केट। यहाँ हम एक मोबाइल शॉप पर पहुंचे और सीधे मुद्दे पर आ गए और नकली स्मार्टफोन की डिमांड कर दी। जवाब भी उम्मीद के मुताबिक ही मिला। हमने जब दुकानदार से पूछा कि क्या आईफोन का लेटेस्ट मॉडल मिल जाएगा, तो उसने बाकायदा असली और नकली फोन के रेट बता दिए। और जो नया लॉन्च हुआ है, जो कल लॉन्च हुआ है 11 प्रो जो लॉन्च हुआ है, वो मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। कल जो लॉन्च हुआ है काफी दिखाई मिला है आपको? हाँ, रेट कितने का पड़ेगा? निकलेगा 15,000 रुपये का। और मार्केट वैल्यू क्या है इसकी? 50 हाँ, 1,15,000। 1,15,000। हाँ जी। देश की राजधानी में स्मार्टफोन्स की सस्ती कॉपी आसानी से मिल रही है, बस आपको वहां तक जाना है और अपनी डिमांड रखनी है। पुरानी दिल्ली के लाजपत राय मार्केट में यह दुकानदार एक नकली फोन निकालता है और उसे आईफोन बना देता है। दिखने में हूबहू एकदम असली जैसी फिनिश, असली जैसे सभी एप्स और कैमरे की क्वालिटी भी ऐसी कि असली को मात दे दे। ग्रे मार्केट में इसे फर्स्ट कॉपी कहते हैं। फर्स्ट कॉपी मतलब ओरिजिनल, एक कंपनी निकालती है ओरिजिनल,
उसके बाद जो उसकी कॉपी बनती है ना वो हाई कॉपी फर्स्ट कॉपी होती है, वो ये कॉपी होती है, ये हाई कॉपी। इसके बाद फिर बनती है दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, फिर चाइना, फिर उसकी लो, फिर और लो, फिर बनती बनती जाती है। ये हाई कॉपी है, हाई कॉपी है, फर्स्ट कॉपी से बोलते हैं। लाजपत राय मार्केट में नकली स्मार्टफोन्स की होलसेल और रिटेल बिक्री का खुलासा करने के बाद आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का अगला पड़ाव था दिल्ली की गफ्फार मार्केट, यानी स्मार्टफोन्स की सबसे बड़ी मार्केट, जहां सैमसंग के नकली स्मार्टफोन्स की सेल लगी थी। एक ऐसे देश में जहां स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा हो, जिस देश में 40% लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हो, वहां नकली स्मार्टफोन्स के इस खेल का मैदान भी बहुत बड़ा है और खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा। जमशेद खान के साथ नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। एक रिपोर्ट के अनुसार स्मार्टफोन्स के नक्काल हर साल स्मार्टफोन सेक्टर को 1,00,000 करोड़ रुपए का चूना लगा देते हैं। नकली स्मार्टफोन की दुनिया में घुसकर आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो सच सामने लेकर आई है, उम्मीद है उसे देखकर आपकी आंखें खुल गई होंगी। और आगे से जब आप स्मार्टफोन खरीदने जाएंगे तो पहले यह सुनिश्चित कर लेंगे कि आप जो फोन ले रहे हैं उसे बेचने वाली दुकान आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त और भरोसेमंद है।